सो है व्हाट्सअप रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स यूजर्स। तो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में आप लोगों को याद होगा लास्ट अपडेट MIUI वर्सन 12.0.4.0 कुछ ही दिन पहले आया था। तो उसका अपडेट आने के बाद इसका कैमरा किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है, इसका कैमरा क्वालिटी बढ़ा है या घटा है, या किस टाइप से कैमरा परफॉर्म कर रहा है, तो कैमरा टेस्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का जो भी अपडेट आने के बाद बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बट इस बार मेरा कुछ डिले हो जा रहा है। मैं अपने सेटअप में नहीं हूँ, बाकी वीडियोस अगर देखेंगे तो मैं अपने सेटअप से नहीं बना रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा, तो इसके लिए रियली सॉरी। बट हाँ, आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारे टेस्ट और भी मिलेंगे MIUI वर्सन 12.0.4.0 अपडेट के बाद का। तो आज करते हैं कैमरा टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फ़ोटो की। नॉर्मल 1x फ़ोटो की अगर बात करें तो यहाँ पे आप अगर इस फ़ोटो को देखें तो यहाँ पे कलर की अगर बात करें तो कलर बहुत ज़्यादा नेचुरल सा नहीं लग रहा। अगर आप ग्रास को देखें तो थोड़ा सा ओवर सेचुरेट किया, मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेट नहीं किया, हल्का सा सेचुरेशन लेवल बढ़ाया गया है। एंड आप अगर एक्सपोजियर लेवल देखें, एक्सपोजियर लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मीन्स थोड़ा अच्छा से एक्सपोजियर को मैच किया जाता तो फिर ज़्यादा बेटर रहता। बट यहाँ पे सेचुरेशन को थोड़ा सा एकदम हल्का सा बढ़ाया गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर थोड़ा अच्छा से तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर लेवल भी उतना अच्छा से मेंटेन नहीं किया गया। एंड अगर आप इस फोटो को जूम करके देखें तो जूम करने पे इसका क्लियरिटी काफ़ी बढ़िया, क्लियरिटी लास्ट अपडेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे बेहतर बनाया गया। तो जूम करने पे ये फ़ोटो काफ़ी बढ़िया बन जा रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा भी नहीं फट रहा। तो 1x जूम के साथ जो नॉर्मल फ़ोटो है ये काफ़ी बढ़िया से ये मेंटेन कर रहा, बट इसका कलर करेक्शन थोड़ा और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कलर करेक्शन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है 1x नॉर्मल फ़ोटो में। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग 2x फोटो की तरफ। तो 2x जूम में जो फोटो लिए गए, इस फोटो को आप अगर ध्यान से देखें तो इसका कलर करेक्शन थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा नेचुरल सा कलर लग रहा है। बट अगर आप इसे थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये थोड़ा भद्दा भद्दा सा लग रहा है, मीन्स ये उतना अच्छा से कैप्चर नहीं कर पा रहा। 2x फोटो को अगर आप जूम करके देखें तो ये फोटो फट रहा है, उतना बढ़िया से इसका डिटेल कैप्चर नहीं किया गया। तो 2x फोटो में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा भी डिटेल कैप्चर नहीं किया गया। ऐसे इसका कलर करेक्शन काफ़ी बढ़िया है, नेचुरल कलर करेक्शन दिया गया, बट यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे आप थोड़ा भी जूम करेंगे तो ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा फट रहा है, इसमें बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं है। तो इस फोटो को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, 2x जूम के साथ जो फोटो आ रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड की तरफ। जो अल्ट्रा वाइड फ़ोटो है इसमें आप कलर करेक्शन काफ़ी बढ़िया मेंटेन किया गया, एक्सपोजियर लेवल काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया, हाईलाइट शैडो सारे चीज़ मेंटेन किया गया, सेचुरेशन भी बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। बट हाँ, यहाँ पे आप अगर इस फोटो को देखें, इसका जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स को भी पूरा अच्छा से डिटेल के साथ कैप्चर किया है, काफ़ी बढ़िया से कैप्चर किया गया, मीन्स एकदम नेचुरल सा लुक दिया गया। जो एकदम नेचुरल सीन है वही नेचुरल सीन को यहाँ पे पुट किया गया, तो ये अल्ट्रा वाइड फ़ोटो काफ़ी बढ़िया। अल्ट्रा वाइड फ़ोटो को थोड़ा जूम करके देखते हैं, थोड़ा जूम करके अगर देखें तो यहाँ पे भी डिटेल काफ़ी बढ़िया से कैप्चर किया गया। अल्ट्रा वाइड जो फ़ोटो है इसमें भी डिटेल की कमी नहीं है, बहुत बढ़िया से अल्ट्रा वाइड फ़ोटो को मेंटेन किया गया। चाहे आप इसका एक्सपोजर लेवल बताएं या तो आप इसका सैचुरेशन लेवल बताएं, आप इस फोटो को डिटेल बताएं, सारी चीज़ काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया। तो 1x 2x एंड अल्ट्रा वाइड में अगर कंपेयर करें तो अल्ट्रा वाइड फ़ोटो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया से इम्प्रूवमेंट किया गया इस अपडेट के बाद अल्ट्रा वाइड फ़ोटो को। इसके बाद बढ़ जाते हैं 64 मेगापिक्सल की तरफ। तो 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा HD जो फ़ोटो है, इस फोटो को अगर आप नॉर्मली देखें, यहाँ पे आपका कलर करेक्शन काफ़ी बढ़िया है, एंड कलर थोड़ा सा हल्का सा सेचुरेशन बढ़ाया गया, एकदम हल्का सा सेचुरेशन लेवल बढ़ाया गया, बाकी ये काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। बट इसे अगर आप जूम करके देखें तो इसमें डिटेल थोड़ा सा मिसिंग हो रहा। हाँ जी हाँ, आप 64 मेगापिक्सल जो ये फ़ोटो, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो रहा, थोड़ा डिटेल मिस हो रहा है, थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा है ये फ़ोटो अगर आप जूम करेंगे 64 मेगापिक्सल फ़ोटो को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा HD फ़ोटो को। यहाँ पे काफ़ी ख़राब से ये फ़ोटो लिया गया, 64 मेगापिक्सल को काफ़ी ख़राब, काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया गया। तो जी हाँ, नेक्स्ट अपडेट में जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें 64 मेगापिक्सल को जो अल्ट्रा HD फोटो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चाहे आप उसका कलर करेक्शन फिर भी ठीक ठाक है, बट इसका डिटेल बिल्कुल नहीं है, डिटेल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
इसके बाद अगर हम लोग AI की मोड की बात करें, AI मोड में अगर आप इस फोटो को देखें तो यहाँ पे कलर करेक्शन को अगर आप सबसे पहले देखें थोड़ा सा हल्का सेचुरेशन किया गया, मीन्स एकदम जो नेचुरल टोन है नेचुरल टोन से एकदम हल्का सा कलर को बूस्ट किया गया, बट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। AI मोड में ये फ़ोटो काफ़ी बढ़िया लग रहा, आप चाहे इसका फेस को देखें काफ़ी बढ़िया से लिया गया, बट वही हल्का सा कलर बूस्ट किया है। आप चाहे ड्रेस को देखें, ड्रेस में भी हल्का सा कलर बूस्ट किया गया, बाकी ये कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा एंड डिटेल काफ़ी बढ़िया से कैप्चर किया गया इस AI मोड के फ़ोटो में। इसके बाद आ जाते हैं प्रो मोड। प्रो मोड में अगर आप देखें, प्रो मोड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्रो मोड में हल्का सा कलर बूस्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे कलर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया एंड बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड कर दिया गया। चाहे आप यहाँ पे फेस को देखें तो ये येलोइस बन गया है। आप इसका बॉडी को देखें, बॉडी को भी थोड़ा येलोइस ब्राउन येलोइस सब बना दिया गया। आप अगर इस शर्ट को देखें, शर्ट का कलर भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया गया। मीन्स यहाँ पे आप इस फोटो को अच्छा से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेचुरेट कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा कलर बूस्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो ये फ़ोटो है प्रो मोड का, प्रो मोड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा सा कलर बूस्ट कम करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा सेचुरेशन लेवल भी कम करना पड़ेगा, बाकी डिटेल तो काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया, डिटेल में कोई कमी नहीं है। तो ये जो प्रो मोड है, प्रो मोड में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब ये नॉर्मल फ़ोटो की बात करें तो नॉर्मल फ़ोटो अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी बढ़िया है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा भी कलर बूस्ट नहीं किया गया, थोड़ा भी ओवर सेचुरेट नहीं किया गया, जो एकदम नेचुरल टोन है, एकदम फुल्ली नेचुरल टोन को यहाँ पे रखा गया। आप चाहे फेस का नेचुरल टोन को देखें, फेस को भी पूरा फुल्ली नेचुरल टोन में रखा गया। आप ड्रेस देखें एंड बॉडी पार्ट्स देखें एंड पीछे आप बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा देखें, चाहे आप सैंड को देखें या ग्रास सब को देखें, इसको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सा रखा गया है। मीन्स यहाँ पे ये फ़ोटो है, इसमें थोड़ा सा भी बूस्ट नहीं किया, ना ही कलर को बूस्ट किया गया, ना ही सेचुरेशन लेवल बूस्ट किया गया, एक्सपोजर लेवल भी काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया है। मीन्स कलर टोन ओवरऑल अगर इस फोटो को देखें काफ़ी बढ़िया है। तो जो नॉर्मल फ़ोटो है वो काफ़ी बढ़िया एंड AI मोड में जो फ़ोटो उसमें थोड़ा सा कलर बूस्ट किया गया एंड प्रो मोड तो बहुत ही ख़राब किया गया। बाकी इसमें भी डिटेल की कोई कमी नहीं है, डिटेल पूरा भरा हुआ है इस नॉर्मल मोड में। अगला बात करते हैं पोर्ट्रेट की। तो पोर्ट्रेट की अगर बात करें तो इस फोटो को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कलर काफ़ी बढ़िया से, कलर करेक्शन काफ़ी बढ़िया किया गया, कलर में बहुत ज़्यादा ओवर बूस्ट नहीं किया गया, काफ़ी बढ़िया। बट अगर आप इस फोटो को जूम करके देखें तो यहाँ पे पोर्ट्रेट जो मोड है यहाँ पे थोड़ा सा फेड लग रहा, मीन्स ये फ़ोटो हल्का सा फेड लग रहा, लाइक आप हेयर में देखें तो हल्का सा फेड लग रहा। बाकी इसका जो पोर्ट्रेट बैकग्राउंड ब्लर है काफ़ी बढ़िया से, एज को काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया, बट वही चीज़ आ जा रहा है कि यहाँ पे फोटो हल्का सा फेड लग रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड एज मेंटेन काफ़ी बढ़िया से किया गया, बट फोटो जो फेड लग रहा है वहीं पर थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा। बाकी पोर्ट्रेट मोड काफ़ी बढ़िया से किया गया, पोर्ट्रेट मोड काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वहीं फ़ोटो जो थोड़ा सा फेड आ जा रहा है उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस जगह पर। इसके बाद मैक्रो फोटो की बात करें तो मैक्रो फोटोग्राफी की अगर बात करें तो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। पहले का मैक्रो फोटोग्राफी काफ़ी ख़राब था, बट इसमें अगर आप देखें इस फोटो को थोड़ा अच्छा से तो इस फोटो को काफ़ी बढ़िया से लिया गया, ये मैक्रो फोटोग्राफी काफ़ी बढ़िया से इम्प्रूव किया गया। मैक्रो फोटोग्राफी पहले से काफ़ी ख़राब था, बट अभी इस अपडेट के बाद काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं नाइट मोड की। अगर नाइट मोड की बात करें तो ये फ़ोटो फुल्ली नाइट में लिया गया, बहुत ज़्यादा रात में अंधेरा में लिया गया एंड इस फोटो में काफ़ी बढ़िया से डिटेल मेंटेन किया गया। मीन्स इस फोटो को आप नॉर्मल देखें तो काफ़ी बढ़िया से डिटेल मेंटेन किया गया, एक्सपोजर लेवल भी काफ़ी बढ़िया से लिया गया। मीन्स नाइट मोड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया, लास्ट अपडेट में काफ़ी ख़राब था नाइट मोड, उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया कर दिया गया इस अपडेट में नाइट मोड को। तो नाइट मोड में भी थम्स अप है, इस अपडेट के बाद अपग्रेड किया गया है। इसके बाद AI सेल्फी की बात करें, AI सेल्फी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप अगर देखें तो फेस का कलर हल्का सा बूस्ट किया गया एंड ओवरऑल कलर टोन काफ़ी बढ़िया, वैसे तो काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया एंड डिटेल भी काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया नॉर्मल जो AI सेल्फी है। बट हाँ, कलर हल्का सा बूस्ट किया गया जो कि काफ़ी बढ़िया, बहुत ज़्यादा कलर बूस्ट नहीं किया गया, थोड़ा सा बूस्ट किया गया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा। तो हाँ, यहाँ पर जो नॉर्मल जो AI सेल्फी है
उसमें AI सेल्फी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब नॉर्मल सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे कलर करेक्शन काफ़ी बढ़िया, जो आपका नेचुरल टोन है एकदम परफेक्ट नेचुरल टोन दिया गया, चाहे आप फेस में देखें या तो ड्रेस में या ओवरऑल पूरा फोटो में देखें, यहाँ पे नेचुरल टोन काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया। तो यहाँ पे भी थम्स अप है, नॉर्मल सेल्फी जो है इसमें भी अपग्रेड किया गया है। इसके बाद अगर आगे बात करें यहाँ पे पोर्ट्रेट सेल्फी की, तो पोर्ट्रेट सेल्फी में कलर टोन थोड़ा सा मिसमैच है, कलर टोन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पोर्ट्रेट सेल्फी में कलर टोन इम्प्रूवमेंट कर देगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी जूम करके देखें तो एज को काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया है। इस बार जो लास्ट अपडेट था उसमें थोड़ा सा एज मेंटेन करने में थोड़ा ख़राब आ रहा था, मीन्स बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा था, थोड़ा सा फॉरग्राउंड भी ब्लर हो जा रहा था एंड बैकग्राउंड मिसिंग हो जा रहा था, ब्लर नहीं हो रहा था। बट इस अपडेट के बाद अगर आप एज देखें तो एज को काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया है। इस अपडेट के बाद पोर्ट्रेट सेल्फी में काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। आगे बात करते हैं वीडियो में, तो वीडियो में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1080p 60fps की अगर बात करें तो यहाँ पे कलर टोन तो काफ़ी बढ़िया किया गया है, बट यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता, काफ़ी ख़राब स्टेबलाइजेशन है। तो स्टेबलाइजेशन में कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया गया, पहले की तरह ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कलर टोन है काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं 1080p 30fps, तो यहाँ पे कलर टोन को काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया अगर आप ग्रास को देखें, एंड स्टेबलाइजेशन भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया गया बट थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया पहले से। पहले जो लास्ट अपडेट आया था उसमें स्टेबलाइजेशन काफ़ी ख़राब था, बट उसके मुकाबले थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया 1080p 30fps में स्टेबलाइजेशन को। अब बात करते हैं 4K 30fps में, 4K 30fps में कलर को काफ़ी बढ़िया बूस्ट किया गया, बट लास्ट अपडेट से कलर को आप देखें तो थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया। लास्ट अपडेट में 4K 30fps का कलर और भी बढ़िया था, बट कलर टोन जो काफ़ी बढ़िया था, बट इस बार थोड़ा सा कम किया गया, बट स्टेबलाइजेशन तो फिर से बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टेबलाइजेशन का इशू बहुत ज़्यादा है इस Redmi Note 9 Pro Max में। इसके बाद बात करते हैं 960fps स्लो मोशन का, तो स्लो मोशन में देखें तो इस अपडेट के बाद फ्रेम ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होने लग गया। लास्ट अपडेट में जो 960fps स्लो मोशन में फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बट इस बार बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप का इशू आ रहा। तो ओवरऑल अगर आप देखें कैमरा टेस्ट में तो कुछ चीज़ें अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुई है, कुछ चीज़ें डाउनग्रेड भी हुए हैं। तो ओवरऑल मिक्स आप रिएक्शन कह सकते हैं, मिक्स अपडेट कह सकते हैं कैमरा टेस्ट में इस अपडेट के बाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा Redmi Note 9 Pro Max अगर आप यूज़ करते, तो क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max का कोई भी अपडेट आता तो मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ, एंड इसका गेमिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट एंड बहुत सारे टेस्ट आते रहते हैं Redmi Note 9 Pro Max का इस चैनल पे।